वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच में फिर से केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो आपके किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पूरे वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें। इस पूरे वीडियो में जितने भी पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे, वह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो बहुत समय ना खराब करते हुए आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। वीडियो में जो सबसे हमारा पहला प्रश्न है, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, प्रश्न को आप समझने का प्रयास करें कि सोडियम कार्बोनेट चूना पत्थर एवं बालू के मिश्रण को द्रवित करने से क्या प्राप्त होता है। प्रश्न को आप सबसे पहले समझने का प्रयास करें कि प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है कि सोडियम कार्बोनेट चूना पत्थर एवं बालू के मिश्रण को द्रवित करने से क्या प्राप्त होता है। तो इसका जवाब है कि इससे हमें सामान्य सीसा प्राप्त होता है, सामान्य सीसा, ठीक है। यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा बिरंजक चूर्ण। बिरंजक चूर्ण के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि बिरंजक चूर्ण के निर्माण में, बिरंजक चूर्ण के निर्माण में किसका उपयोग होता है। जो हमारा बिरंजक चूर्ण, जिसको आप अच्छी तरह से जानते होंगे, तो इसके निर्माण में किसका उपयोग होता है। यह हमारा प्रश्न है कि बिरंजक चूर्ण के निर्माण में किसका उपयोग होता है। तो इसका जवाब है क्लोरीन का, ठीक है। बिरंजक चूर्ण के निर्माण में किसका उपयोग होता है, क्लोरीन का। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पानी का क्वथनांक और साथ ही साथ द्रवणांक एवं हिमांक होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पानी का क्वथनांक क्या होता है। जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वह होता है 100 अंश सेल्सियस, ठीक है। ये पानी का क्वथनांक हो गया, तो पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 अंश सेल्सियस। और साथ ही साथ द्रवणांक एवं हिमांक होता है, ठीक है। द्रवणांक एवं हिमांक कितना होता है पानी का, तो यह हो गया हमारा 0 अंश सेल्सियस, ठीक है, 0 अंश सेल्सियस, ठीक है। यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि पानी का जो क्वथनांक होता है वह 100 अंश सेल्सियस होता है, और द्रवणांक एवं हिमांक पानी का कितना होता है, तो 0 अंश सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पॉलिस्टर, ठीक है। जो पॉलिस्टर को कहाँ पे विकसित किया गया था, यह हमारा प्रश्न है कि पॉलिस्टर को कहाँ विकसित किया गया था। मेरे कहने का मतलब है कि पॉलिस्टर का जो उत्पत्ति हुई थी वह कहाँ पे हुई थी, तो इसका जवाब है इंग्लैंड में, ठीक है। पॉलिस्टर की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी, तो इंग्लैंड, ठीक है। यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिस्टर की उत्पत्ति कहां हुई थी, तो इंग्लैंड में, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है कि पैराफीन मोम, ठीक है। जो पैराफीन मोम होता है यह किस चीज का मिश्रण होता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पैराफीन मोम जो होता है वह किस चीज का मिश्रण होता है। तो इसका जवाब है कि हाइड्रोकार्बनों का, ठीक है। पैराफीन मोम जो होता है या किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बनों का, ठीक है। यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि DDT का फुल फॉर्म क्या होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, और इसके बारे में हम सभी को जानना भी चाहिए कि DDT का फुल फॉर्म क्या होता है। जिसके बारे में हम आपको बता दें कि डाइक्लोरो और डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे हमने आपको बताया, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोइथेन, ये हमारा हो गया DDT का फुल फॉर्म। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किसका प्रयोग होता है। जो खाद्य पदार्थ होता है इसको संभाल के रखने के लिए, इसको लंबे समय तक संभाल के रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका जवाब है हमारा बेंजोइक अम्ल का, ठीक है, बेंजोइक अम्ल का, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सोडियम एसीटेट। देखिए प्रश्न को आप समझिए कि सोडियम एसीटेट को किसके साथ गर्म करने पर मीथेन प्राप्त होता है। जो सोडियम एसीटेट होता है इसको किसके साथ गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, मीथेन प्राप्त होता है। तो इसका जवाब है हमारा सोडा
लाइम, ठीक है। मतलब सोडियम एसीटेट को अगर हम सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, मीथेन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि ग्लास से रिलेटेड है, कांच से रिलेटेड है, कि कांच को कठोर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो कांच हमारा होता है उसको मजबूत बनाने के लिए हम उसमें क्या उपयोग करते हैं, उसमें क्या मिलाते हैं कि वो कांच जो होता है मजबूत हो जाता है, तो इसका जवाब है हमारा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। कांच को कठोर बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, पोटेशियम क्लोराइड। हमने आपसे एक बार और प्रश्न और पूछा था, जो लेंस का जो कांच होता है, जो चश्मे का जो लेंस का कांच होता है, किस कांच का बनता है, तो इसका जवाब है क्रूक्स कांच, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रश्न को हम एक बार फिर से दोहरा के बता दें कि कांच को कठोर बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, पोटेशियम क्लोराइड का, और साथ ही साथ जो चश्मे का लेंस होता है या किस कांच का बना होता है, क्रूक्स कांच का, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि सर्वप्रथम कांच का निर्माण, ठीक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के दृष्टिकोण से भी अगर ये देखा जाए, और कांच की उत्पत्ति के दृष्टिकोण से भी अगर ये प्रश्न हम देखते हैं तो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम सभी को जानना चाहिए कि जो प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम कांच का निर्माण प्राचीन काल में कहाँ पे हुआ था। जो दर्पण का निर्माण है, अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, अगर हम थोड़ा इतिहास की बात करें, तो सर्वप्रथम कांच का निर्माण कहां हुआ था, तो इसका जवाब है मिस्र में, ठीक है। इसका जवाब हमारा हो गया मिस्र में। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक होने पर क्या होता है। सीमेंट में जो एल्यूमिना की मात्रा होती है वह किस लिए मिलाया जाता है, और अगर इसकी मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो इसका क्या असर पड़ता है, और अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है तो इसका क्या असर पड़ता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सीमेंट में जो एल्यूमिना मिलाया जाता है, इसका मेन कार्य क्या होता है, यह सीमेंट को जमने में मदद करता है। अगर सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक हो जाती है तो बहुत तीव्र गति से सीमेंट को जमाने में इसका काम होता है। अगर किसी सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा कम होती है तो वह सीमेंट खराब क्वालिटी का सीमेंट कहा जाता है। तो ये हमारा प्रश्न है कि सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक होने पर क्या होता है, तो वह अत्यधिक तीव्र गति से जमता है, अत्यधिक तीव्र गति से जमता है, तीव्र गति से जमता है, ठीक है। सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक होने पर क्या होता है, शीघ्र जमता है, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि ब्रह्मांड में, ठीक है, पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला वह कौन सा पदार्थ है, ठीक है। इसका जवाब है हीलियम, ठीक है। ब्रह्मांड में दूसरा, ठीक है, यहां दूसरे की बात हो रही है, ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, हीलियम, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि सिल्वर से रिलेटेड है, जो कि चांदी से रिलेटेड है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चांदी किस वजह से काला हो जाता है, ठीक है। वह कौन सी गैस है, देखिए प्रश्न को आप समझिए कि वह कौन सी गैस है जो चांदी की चमक को काला बना देती है, ऐसी कौन सी गैस है जो चांदी की चमक को काला बना देती है, जो किस वजह से होता है, इसका जवाब है हमारा ओजोन गैस की वजह से, ओजोन गैस की वजह से। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाल फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस से यह प्रश्न हमारे रिलेटेड है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी है कि लाल फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है। जो हमारा लाल फास्फोरस होता है उसके अणुसूत्र क्या होते हैं, तो इसका होता है P2, ठीक है। लाल फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है, P2 होता है, और साथ ही साथ अगर श्वेत फास्फोरस का अणुसूत्र अगर हम बता दें आपको, तो इसका जो अणुसूत्र होगा यह P4 होगा, ठीक है। यह पॉइंट आप एक बार फिर से समझिए कि लाल फास्फोरस का अणुसूत्र कितना होता है, P2, और श्वेत फास्फोरस का अणुसूत्र कितना होता है, P4, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को किस रंग में परिवर्तित कर देता है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह चूने के पानी को दुधिया रंग में बदल देता है, दुधिया, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो चूने का पानी होता है उसको दुधिया रंग में परिवर्तित कर देता है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है कि हीरे का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, या बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो डायमंड हमारा होता है, ठीक है, डायमंड के बारे में हमने आपको कई बार आपको बताया कि डायमंड जो होता है वह कार्बन का सबसे बेहतरीन स्वरूप होता है, ठीक है। अब उसी से डायमंड से रिलेटेड हमारा यह प्रश्न है कि हीरे का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो इसका जवाब है हमारा 3.52।
हीरे का अपेक्षित घनत्व कितना हो गया यहाँ पे 3.52। ठीक है, अब काला हीरा जो जिसे हम ब्लैक डायमंड कहते हैं, ठीक है, ब्लैक डायमंड हम अधिकतर सुनते हैं कि एक हीरा हो गया जिसे हम डायमंड कहते हैं और एक होता है हमारा ब्लैक डायमंड। अब यह जो हमारा प्रश्न है वो ब्लैक डायमंड से रिलेटेड है कि काला हीरे को क्या कहा जाता है, जो हमारा काला हीरा होता है इसको हम क्या कहते हैं। ब्लैक डायमंड को हम अगर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अगर इसको व्यक्त करना हुआ तो काले हीरे को हम क्या कहते हैं, तो इसका जवाब है हमारा कार्बोनेडो, कार्बोनेडो। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि काले हीरे को क्या कहा जाता है, तो कार्बोनेडो। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हीरे का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। ठीक है, जो हमारा हीरा मिलता है उसका प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, इसका जवाब है हमारा किम्बरलाइट पत्थर की वजह से। इसका स्रोत क्या है, किम्बरलाइट पत्थर, किम्बरलाइट पत्थर। अब यहाँ एक चीज हम आपको और बता दें कि हीरे का जो प्राकृतिक स्रोत का क्या मतलब हो गया, जो हमारा किम्बरलाइट पत्थर होता है इसी से हम हीरे की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि हीरे का प्राकृतिक स्रोत का मतलब या किस पत्थर से हीरा हमें प्राप्त होता है, तो उसका जवाब है हमारा किम्बरलाइट पत्थर। ठीक है, कि भविष्य का ईंधन कहा जाता है, जो हमारा फ्यूचर का जो फ्यूल है जिसको हम भविष्य का ईंधन कहते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वह हमारा हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, जो भविष्य का ईंधन है वह क्या है, तो इसका जवाब है हमारा हाइड्रोजन। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके ही किस अयस्क से किया जाता है, जो यूरेनियम धातु है उसका निष्कर्षण उसके ही किस अयस्क से किया जाता है, तो उसका जवाब है हमारा पिचलैंड, पिच लैंड। ठीक है, यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके ही किस अयस्क से किया जाता है, उसका जवाब है हमारा पिचलैंड। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि मोनोजाइट किसका अयस्क है, जो हमारा मोनोजाइट होता है जिसको हम मोनोजाइट के नाम से जानते हैं या किस चीज का अयस्क होता है, तो इसका जवाब है हमारा थोरियम का। ठीक है, मोनोजाइट किसका अयस्क है या थोरियम का अयस्क है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि जो पारा का निष्कर्षण होता है, यहाँ पे देखिए निष्कर्षण की बात हो रही है, हमने पिछले वीडियोस में कई चीजों के निष्कर्षण के बारे में बताया कि जैसे तांबा का निष्कर्षण कैसे होता है, लोहे का निष्कर्षण कैसे होता है, उसी तरह भी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि जो यूरेनियम धातु का निष्कर्षण है मुख्यतः उसके ही अयस्क किसके द्वारा होता है, पिचलैंड के द्वारा होता है। उसी से संबंधित ये हमारा प्रश्न है कि पारा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो इसका जवाब है हमारा सिनेबार अयस्क से, सिनेबार अयस्क। ठीक, अब ये जो हमारा अगला प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मतदान के समय, ठीक है, जो वोटिंग होती है उसके समय मतदाताओं के उंगली पर जो निशान लगाया जाता है वह क्या होता है। ठीक है, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मतदान के समय मतदाताओं को निशान किस चीज से लगाया जाता है या किस कौन सा वह तत्व होता है जिससे मतदाताओं के अंगुली पे निशान लगाया जाता है ताकि वह री वोटिंग या दोबारा वोटिंग ना कर सकें। ठीक है, तो इसका जवाब है हमारा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किस प्रकार के कांच बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है इसका प्रयोग किस प्रकार के कांच बनाने में होता है, तो इसका जवाब है हमारा फोटोक्रोमेटिक, फोटोक्रोमेटिक। फोटोक्रोमेटिक जो कांच होता है इसमें सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के कांच बनाने में जो फोटोक्रोमेटिक कांच है, इस तरह का कांच बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड का। इसके बाद जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको आप ध्यान से समझिए कि चांदी का द्रवणांक क्या होता है, द्रवणांक का मतलब इसका गलनांक क्या होता है, किस अंश सेल्सियस पर चांदी पिघल के पानी की तरह हो जाता है। हम आपको बता दें कि चांदी का जो द्रवणांक होता है वह 960.7 अंश सेल्सियस पे, 960.7 अंश सेल्सियस। ठीक है, चांदी का जो द्रवणांक होता है, चांदी का जो गलनांक होता है वो 960.7 अंश सेल्सियस पे होता है। अब इसके साथ ही साथ चांदी का जो क्वथनांक होता है, ठीक है, ये हमारा गलनांक हो गया, कितना हो गया 960.7 अंश सेल्सियस पर, और जो चांदी का जो क्वथनांक होता है यह कितना होता है, तो 1954.9 अंश सेल्सियस पे इसका क्वथनांक होता है। अब इसके बाद चांदी से ही रिलेटेड हमारा इसी में जो अगला पॉइंट है कि चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 10.47
ठीक है। यहाँ पे चांदी से रिलेटेड हमने तीन, एक ही प्रश्न में हमने तीन प्रश्न आपको बताए। जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि चांदी का द्रवनांक या गलनांक कितना होता है, तो 960.7 अंश सेल्सियस, और चांदी का क्वथनांक कितना होता है, तो 1954.9 अंश सेल्सियस, और अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 10.47। ठीक है, इसके बाद इस पूरे वीडियो के सबसे अंतिम प्रश्न की ओर हम पहुंचते हैं, जो कि है हमारा लोहे के गैल्वेनाइज चादर। ठीक है, लोहे का जो गैल्वेनाइज चादर होता है वह किस धातु की परत की चढ़ी होती है। यह प्रश्न आप फिर से समझिए कि लोहे के गैल्वेनाइज चादर पर किस धातु की परत चढ़ी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका जवाब है हमारा जस्ते की परत। ठीक है, लोहे के गैल्वेनाइज चादर पर किस धातु की परत चढ़ी होती है, तो इसका जवाब है हमारा जस्ते की परत। तो इस छोटे से सेशन में हमने आपको लगभग 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताए, जो आपके सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पूरे वीडियो को आप एक दो बार जरूर देखें, ताकि इसमें बताए गए सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए। वीडियो आपको किस तरह से लगता है यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब दें। वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो फिर से मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।